क्या चाहिए? लव। कितना? 2 spoons। उसके बाद? सुविवाह। अरे नहीं, निकाह। लिफ्ट भी नहीं है तुम्हारी बिल्डिंग में। मैं तो थक गई। इतने सारे बैग्स क्यों ले आई? अरे अटैची तो लाई नहीं पाई, बेड के नीचे खिसका कर आना पड़ा। और ये बलून? अरे टिंकू का बर्थडे, मम्मी पापा वही पे लेके चले गए थे। 12 तो वही बज गए, 1 बजे जाके सोए हम, उसके बाद छिपते छिपाते आई हूँ। ठीक है ठीक है, चलो। पहले से बहुत देर हो गई है, जल्दी चलो। आओ ना जल्दी। हाँ। पर हम जा कहाँ रहे हैं? अंबाला। मुझे कुछ बात करनी है। हाँ कल लेना ट्रेन में, 24 घंटे का सफर है। मुझे अभी बात करनी है। अभी? अभी कौन सी बात करनी है तुमको? पहले लाइट तो ऑन कर लो। हम अंबाला में कहाँ रहने वाले? यार ये पूछना था, अंबाला जाने से पहले कुछ तो सोचा होगा ना मैंने, भरोसा नहीं है क्या मुझ पे? भरोसा है तभी तो अपना घर छोड़कर आई हूँ। पर हम कहाँ जाने वाले, कैसे रहने वाले, ये सब पता तो होना चाहिए ना मुझे। यार 20 मिनट में अगर हम स्टेशन नहीं पहुँचे तो हमारी ट्रेन छूट जाएगी। 3 महीने से प्लानिंग कर रहे हैं और तुम अब पूछ रही हो। अच्छा सुनो, अंबाला में मेरा एक फ्रेंड है गुरप्रीत, 4 दिन तक हम उसके फार्म हाउस में रह सकते हैं। अब ठीक है चलें? 4 दिन बाद? क्या जोर से बोलो, रुको मैं लाइट जलाता हूँ। क्या हुआ? वो मैं कह रही थी कि हम 4 दिन के बाद कहाँ रहने वाले। यार तुम्हें हो क्या गया है? 2:25 की हमारी ट्रेन है और ये सारी बकवास तुम्हें अभी करनी थी। पर मुझे पता तो होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए तुमको, भरोसा नहीं है क्या मुझ पे? चलो अच्छा मेरी आंखों में देखो क्या दिखता है। प्यार। दिखाना दिखाना प्यार, तो मेहरबानी करो और जल्दी चलो। ठीक है चलो, पर तुमने अभी भी नहीं बताया कि 4 दिन बाद हम। तुमको हो क्या गया है यार? 3 सालों से हम लोग रिलेशनशिप में हैं, ये हमारा ही सपना था ना कि हम कभी एक हो पाएंगे। कितनी मुश्किल से ये कदम उठाया, हमारे बैग्स पैक हो चुके हैं, तुम घर छोड़कर आ चुकी हो, 20 मिनट में हमारी ट्रेन छूटने वाली है और तुम अभी पूछ रही हो कि हम कहाँ जा रहे हैं। अरे वही जा रहे हैं जहाँ जाना चाहते थे। अच्छा सुनो देखो, अंबाला में हम 4 दिन गुरप्रीत के फार्म हाउस में रुकेंगे, फिर हम चलेंगे मनाली क्योंकि जगह बदलना बहुत जरूरी है। हो सकता है तुम्हारे पेरेंट्स पुलिस में कंप्लेन करा दें। मनाली में एक मस्जिद है, वहाँ तुम इस्लाम कबूल करोगी और हम निकाह कर लेंगे। फिर हम चलेंगे मसूरी, लगे हाथों हमारा हनीमून भी हो जाएगा। फिर हम देहरादून होते हुए सीधे नैनीताल चले जाएंगे। 2 महीने तक के पैसे हैं मेरे पास, फिर मैं अम्मी अब्बू को फोन करके सब कुछ बता दूंगा। एक बार तुम्हारे इस्लाम कबूल करने के बाद तुमको कोई परेशानी नहीं होगी, फिर हम जिंदगी भर साथ। अब्बू बहुत अच्छे हैं, तुम्हारी आगे की पढ़ाई भी पूरी करा देंगे। अब खुश चलें। चल। अरे मेरे तो 16 सोमवार चल रहे हैं। क्या? अरे मैंने कहा मेरे तो 16 सोमवार चल रहे हैं। वो मैंने मन्नत मांगी थी ना भोले बाबा जी से हमारे लिए, तभी तो हम ये प्लान बना पाए। अभी भी 6 सोमवार बाकी है। देखो एक बार तुम इस्लाम कबूल कर लोगे फिर तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मुझे तो करना है ना। अच्छा ठीक है कर लेंगे, 6 हफ्ते और रुक जाएंगे। अब चलें, चलो। नहीं नहीं, लेकिन उसके बाद नवरात्रे, वो 9 दिन व्रत और 10वें दिन पे कन्या पूजन होता है। क्या, नवरात्रों में तो भी 6 महीने बाकी है, कैसे? पर मुझे तो करना है ना, और उसके बाद जन्माष्टमी, कृष्ण जी तो मेरे फेवरेट है, और अब तो करवा चौथ भी करना पड़ेगा। यार ये त्योहार तो पूरे साल आते रहेंगे, तो क्या हम पूरे साल इधर से उधर भागते रहेंगे? देखो हमें निकाह करना है, घर जाना है। तो कर लेंगे निकाह, क्या फर्क पड़ता है, ये सब त्योहार मैं तुम्हारे घर भी तो जाके मना सकती हूँ। सोचो कितना मजा आएगा, दिवाली में हम साथ में पटाखे जलाएंगे और ईद में सेवैया बनाएंगे। नहीं कर सकते यार,
इस्लाम कबूल करके तुम मुसलमान बन जाओगी, और इस्लाम में ये सब कुछ हराम है। तो नहीं बनना मुझे मुसलमान। ये क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो, हमें निकाह करना है, घर जाना है। देखो हम दोनों एक दूसरे से शादी कर रहे, सिर्फ तुम मुझसे शादी नहीं कर रहे हो, मैं भी तुमसे शादी कर रही हूँ। मैंने तो नहीं कहा कि तुम हिंदू बन जाओ। निकाह के बाद हम तुम्हारे घर में नहीं रहने वाले, मेरे घर में रहने वाले मेरे परिवार के साथ, और मेरा परिवार मुसलमान है। एक हिंदू लड़की इस्लाम कबूल करके ही उस घर में जा सकती है। तो नहीं चाहते हम उस घर में, हम कहीं और अपना घर बना लेंगे। क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो? मैं पागलों जैसी बातें कर रही हूँ? तुम्हारे लिए मैंने अपना घर छोड़ दिया, तुम्हारे लिए मम्मी पापा को छोड़ दिया, तुम्हारे लिए धर्म भी छोड़ सकती हूँ, लेकिन दूसरा धर्म नहीं अपना सकती। अरे मेरी आस्था भगवान में, मैं अल्लाह को कैसे मान लूं? दुनिया से झूठ बोल सकती हूँ लेकिन अपने आप से नहीं। ठीक है यार, अब तुम कहाँ धर्म के चक्कर में पड़ गई? हमें एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, करते हैं ना? हाँ। मोहब्बत ही हमारा धर्म है। वही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ इतनी देर से। देखो हम शादी करेंगे, पर ना ही हिंदुओं के जैसे ना ही मुसलमानों के जैसे, कोर्ट मैरिज करेंगे सुनो, और इसके बाद जिस भी घर में रहेंगे दोनों अपना अपना धर्म मानेंगे। जैसे कि अभी प्यार के वक्त तो धर्म बीच में नहीं आया, तो शादी के वक्त क्यों? नहीं कर सकते यार, मेरे घर वाले इस बात के लिए कभी नहीं मानेंगे। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे घर वाले नहीं मानेंगे तो मेरे घर चलो, मुझे पूरा भरोसा है अपने ऊपर, मैं अपने मम्मी पापा को मना लूंगी और तुम्हें अपना धर्म भी नहीं बदलना पड़ेगा। चलोगे क्या? मैं तुम्हारे घर कैसे जा सकता हूँ, मैं तो लड़का हूँ ना। यही तो सारी प्रॉब्लम है कि तुम लड़के हो। अब देखो हम दोनों भाग के शादी कर रहे हैं, पर देखा जाए भाग तो सिर्फ मैं रही हूँ ना, तुम तो 2 महीने बाद अपने घर चले जाओगे। अपना घर छोड़ू मैं, अपने मम्मी पापा को छोड़ू मैं, धन छोड़ू अपना मैं, सबको छोड़ के तुम्हारे घर चले जाओ। क्यों? क्योंकि मैं लड़की हूँ। अगर तुम मुसलमान नहीं हिंदू होते ना, तब भी तुम यही कहते धर्म बदल लो। प्रॉब्लम तुम्हारे धर्म में नहीं है, तुम्हारी सोच में है। मैं सब समझता हूँ यार, पर ये डिस्कशन हम बाद में भी तो कर सकते हैं ना। 10 मिनट बचे हैं हमारे पास, हमारी ट्रेन छूट जाएगी। तो छूट जाने दो ट्रेन को, क्या फर्क पड़ता है, हम दूसरी ट्रेन ले लेंगे। अम्बाला जाना जरूरी है क्या? जहाँ भी वो ट्रेन जाएगी वही चले जाएंगे। अगर ये बातें हमने आज नहीं करी ना, तो फिर कभी नहीं कर पाएंगे। एक बार हमने इस कमरे के बाहर कदम रखा तो वापस कभी नहीं आ पाएंगे, और कल को इन्हीं बातों पे हमारे झगड़े होंगे। तुम क्या चाहते हो? तुम भी थक गई होगी, बैठ जाओ। तो क्या करें? तुम बोलो क्या करें? मैं इकलौता बेटा हूं, अपने अम्मी अबू को नहीं छोड़ सकता, और ना ही तुम्हें। तो फिर आज का कैंसिल करते हैं। लेकिन तुम तो घर से भागकर आ गई हो ना। सुबह 8 बजे से पहले मेरे घर पे कोई नहीं उठता। मैं सारे बैग यहीं पे छोड़ जाऊंगी, बस एक एक करके बैग ले जाऊंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैं चलूं? किसका फोन था? माँ का। वो इतनी जल्दी कैसे उठ गई? मेरी लाइट बंद करने उठी होगी। क्या तुम
रूम की लाइट खुली छोड़कर आ गई? अरे रोज लाइट ऑन करके आती हूँ, आज नहीं करती तो उनको शक हो जाता ना। यार तुम इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकती हो? ओ शिट, मर गई। क्या हुआ? अभी तक तो उनको चिट्ठी भी मिल गई होगी। चिट्ठी? कौन सी चिट्ठी? वो फिल्मों में देखते हैं ना, भागने के टाइम जो चिट्ठी लिखते हैं वो वाली। तुमको किसने बोला था चिट्ठी छोड़ने के लिए? अब क्या करें? कुछ सोचने दो, सबसे पहले अपना फोन स्विच ऑफ करो जल्दी। हेलो, सुरभि के पापा? तुम्हारे पापा? तुम्हारे पापा पुलिस स्टेशन में? क्या? पर उनके पास मेरा नंबर कहाँ से आया? मैंने एक बार कॉल किया था ना तुम्हें वैलेंटाइंस डे पे। यार वैलेंटाइंस डे के दिन तुमने मुझे अपने पापा के नंबर से फोन किया, उसके बाद मैंने उसमें आई लव यू टाइप करके भेज दिया था। मर गए यार, मैं तो गई, सब गड़बड़। ओह शिट, ये सिम इसी एड्रेस पे, पुलिस कभी भी आने वाली होगी, थाना बगल में ही है। पुलिस आ गई। मेरे को समझ में नहीं आ रहा। चलो जल्दी खोलो दरवाजा, दरवाजा खोलो। कोई सुन रहा है? मैं पता है तुम अंदर हो, दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो, जल्दी खोलो, तोड़ देंगे अभी। सुरभि डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। 5 मिनट बाकी हैं हमारे पास, 120 की स्पीड से बाइक भगाऊंगा तो 3 मिनट में स्टेशन पहुंच जाएंगे। तुम्हें भरोसा है ना मुझ पे? है ना? अब गौर से सुनो मेरी बात, वक्त बहुत कम है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ, हमारी ट्रेन छूटने वाली है, दरवाजे पर पुलिस खड़ी है और हमारा प्लान कैंसिल हो चुका है, लेकिन हम अभी भी साथ हैं और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। दिवाली में तुम्हारे साथ फुलझड़ी जलाऊंगा, ईद में अपने हाथों से तुम्हें सेवैया खिलाऊंगा, खुद रमजान में रोजे निभाऊंगा और नवरात्रों में तुम्हारा हाथ बटाऊंगा। और रही बात अम्मी अबू की, उनको कुछ भी करके मैं मना ही लूंगा, तुमको भरोसा है ना मुझ पर? मैं कैसे लटकू? मेरी पीठ पे आ जाओ। ओके, पर बैग तो लिए ही नहीं। कोई बात नहीं, पर मैं तो टिंडे करेले की सब्जी लेकर आई थी तुम्हारे लिए। अम्बाला जाकर बना लेंगे। पर अम्बाला की ट्रेन छूट गई तो? तो लुधियाना चले जाएंगे। लुधियाने में तुम्हारे किसी फ्रेंड का फार्म हाउस नहीं है क्या?